हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष के इस पवित्र पावन पर्व पर आप सभी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हमारी ईश्वर से कामना है। और इसी मौके पर आज हम मौजूद हैं अलीगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ प्राचीन मंदिर श्री खीरेश्वर धाम पर, जहाँ पर 12वां भव्य रुद्र अभिषेक हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कितने भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जो कि यहाँ पर रुद्र अभिषेक किया जा रहा है भगवान शिव का, वो तो प्रतिदिन होता है, लेकिन अब की बार ये नववर्ष पर इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ यजुर्वेद के मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर भगवान शिव का रुद्र अभिषेक किया जा रहा है। तो आप भी अगर भगवान शिव से आप भी सच्चे भक्त हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर अलीगढ़ श्री खीरेश्वर धाम मंदिर में भव्य रुद्र अभिषेक। ये बताइए, जैसे प्रसाद इतना भगवान शिव का के लिए बनता है, कैसे क्या है? भगवान को भोग के लिए बनता है, हम बनाते हैं सुबह से आकर, फिर भगवान का भोग लगाते हैं, उसके बाद में बढ़ता है ये। अच्छा, काफी श्रद्धालु आते हैं, से दूर दूर से आते हैं, बहुत दीवाने होते हैं चीज के भी। ये नहीं, भगवती गौरी का ध्यान कर ले। जय भगवते देवी नमो वर दे, जय पाप विनाशिनी बहु बल दे, जय शंभर शंभ भगवान धरे, प्रणवामि तुरे विदराति हरे। जय भगवती देवी नमो वर दे, जय पाप विनाशिनी बहु बल दे, जय चंद्र दिमा कर नेत्र धरे, जय पाप कभोष दवा प्रभरे, जय भैरव दे हरि न परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय भगवती दे से प्रार्थना कीजिए। प्रभु, ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, गत वर्षों में हमने बहुत दुख दिए, किंतु ये नया वर्ष हमारा सुख शांति से युक्त हो। अंधकार रूपी हृदय, जो हमारे हृदय में अंधकार रूपी जो अप्रकाश रूपी अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसको मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु, हमारे शरीर में जो रोग रूपी दुर्गुण रूपी व्याध रूपी जो अंधकार भरे हुए हैं, उन सभी को मिटा करके स्वास्थ्य रूपी सदृढ़ रूपी प्रकाश प्रदान करने की कृपा करें। प्रभु, हमारे घर में परिवार में जो कलह रूपी अशांत रूपी तो दरिद्र रूपी अंधकार भरे हुए हैं, उन सभी को मिटा करके सुख शांति धन समृद्धि रूपी प्रकाश प्रदान करने की कृपा करें। भक्त्या दीपं प्रक्षामे देवाय परमात्मने, हाथ होकर के ओम नमः शिवाय। अपना गोत्र
और अपना नाम स्मरण कर लीजिए, अपने परिवार के जो लोग नहीं आ पाए यहाँ वो सभी के परिवार के नाम का उच्चारण कर लीजिए, परिवार के लोगों का नाम उच्चारण कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग जो कामनाएं बोलेंगे वो कामनाएं भी जो मन में हो आपके वो स्मरण कर लेंगे। नामो हम सपरिवारो हम इष्ट मित्र बंधु बांधव सहितो हम कायम वाचि मानसि प्राणोत्फल प्राप्त्यर्थम् अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम् प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम् अप्राप्त स्वास्थ्य प्राप्त्यर्थम् प्राप्त स्वास्थ्य चिरकाल संरक्षणार्थम् सकल मनोहृष कामना संसिद्ध्यर्थम् लोके सभायां राजद्वारे वा यशोभिजय लाभार्थं तप्याजटा पीड़ा परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्या वृद्ध्यर्थम् सकुटुंबस्य जन्मराशे समासात् एके चतुर्थ चतुर्थार्थम स्थितानस्ताः गुरुर्घातैः सूचितं सूचिष्यमाणं यत् सर्वार्थं तत् सर्वं शान्तिदुर्गमम् एकादश स्थानस्य सुप्राप्त्यर्थं सर्वेषां देवानां कृपा कटाक्ष प्राप्त्यर्थं च भगवते सां वसदा शिव अनुकूलता सिद्ध्यर्थं च कृतस्य नववर्षोपलक्ष्ये इदं रुद्राभिषेक भगवते सां वसदा शिव प्रसन्नार्थे रुद्राभिषेकर्णाहं करिष्ये योगिवान् जागरतो नमो नमः।